हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल तिवारी ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सपने में माँ काली को देखने का क्या मतलब होता है। तो हम आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि हमें रात्रि में सोते समय जो सपने दिखाई देते हैं उसको ज्योतिष शास्त्र में 4 भागों में बांटा गया है। पहला, 12 से 3 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 साल में प्राप्त होता है। दूसरा, 3 से 5 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 6 महीने में प्राप्त होता है। तीसरा, 5 से 6 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 महीने में प्राप्त होता है। चौथा, सूर्योदय के बाद देखे जाने वाले सपनों का फल 1 सप्ताह में प्राप्त होता है। लेकिन जो सपना लगातार 3-4 दिन तक आए वही सपना फल देता है, परंतु जो सपना एक बार दिखाई देता है वह सपना फल नहीं देता। अगर हम सोते समय माँ काली को देखते हों या उनकी मूर्ति को देखते हों तो उसका मतलब होता है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, माँ काली की रक्षा करेंगी। तो दोस्तों, सपनों के बारे में और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। जय मां काली।